हरियाणा के अंबाला में मंगलवार को किसानों का गुस्सा एक बार फिर फूटा और किसानों ने सरकार को एक के बाद एक कई चेतावनियां दे डाली। किसानों ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए यह तक कह डाला कि अगर किसानों ने हथियार उठा लिए तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। कहा कि आज किसान लाइनों में धक्के खा रहे हैं, ऐसे ही सरकार को लाइनों में लगा देंगे। लगातार 4 दिन धरना देने के बाद धान की खरीद मंडी में शुरू हुई तो किसानों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली, लेकिन सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर गेट पास लेने का नियम फिर किसानों के आड़े आ गया। किसानों का आरोप है कि पोर्टल पिछले 4 दिनों से बंद है और किसान का धान मंडी में ही पड़ा है। इसी के चलते मंगलवार को अंबाला में किसानों का सब्र जवाब दे गया और किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, उसी दिन से पोर्टल बंद है इनका, उसी दिन से इनका पोर्टल बंद है। ये कहीं बैंक सारे चल रहे हैं, दुकानों में सारे में कंप्यूटर चल रहा है, क्या इन्हीं का सर्वर डाउन हो गया? कह रखा है इनको सरकार ने कि इसको बंद रखो, इनको तंग करो पूरा जितना तंग होते हैं, ये तंग होकर आपस में लड़ेंगे। पर मेरा किसान ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बातों में आके आपस में लड़ेगा। ये तो तेरा पत्ता साफ करेगा मोदी सरकार, खट्टर सरकार, तेरा पत्ता साफ करेगा। इन्होंने मन बना लिया है, इन्होंने आश्वासन दिलाया था हमारे को 19 मोस्चर का, आपकी 19 मोस्चर जी लिख दी जाएगी, आपको यहाँ से गेट पास के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आज देख लो हमारा किसान सारे सारा दिन धूम में लाइनों में खड़ा है, लाइनों में लगा दिया इन्होंने हमारे को। जिसे जैसे इन्होंने हमारे को लाइनों में लगाया ना, ऐसे इनको लाइनों में ना लगा दिया तो किसान ना जानियो ऐसी तैसी कर दें थरी। हम अब भी कह रहे हैं कि मान जो इस धरती पुत्र नू ना तंग करो, नहीं अगर इसने हथियार उठा लिया ना फिर कोई रोकने वाला नहीं है। किसानों का गुस्सा बढ़ता देख खुद मार्केट कमेटी विभाग के चीफ मार्केटिंग इन्फोर्समेंट अधिकारी किसानों के बीच पहुंचे और किसानों के बीच जमीन पर बैठकर किसानों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन 6 घंटे बाद भी किसानों की समस्या का हल ना हो सका। बातचीत में अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने विभाग को सूचना दे दी है और यह स्कीम किसान के हित में है। कि जो पोर्टल की दिक्कत है वो मैंने इनकी सुन ली है और इसको मैंने ऊपर मैसेज भी डाल दिया, ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आने वाले टाइम में। सोल्यूशन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार टेक्निकल इश्यूज है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हम किसानों के लिए ही कर रहे हैं सारा कुछ और किसान के हित में ही है सारी स्कीमें। राज्य में धीरे धीरे किसानों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि सरकार उन्हें परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर रही।